हर आयाम में ये क्षेत्र विशिष्ट है और हमारे साथ आज इस परिचर्चा के लिए जुड़े हुए हैं संगठन महामंत्री आदरणीय रत्नाकर जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों ही क्षेत्र काशी क्षेत्र तथा गोरक्ष क्षेत्र के संगठन महामंत्री हैं, तो हमें लगा कि इस विषय पर जो सेवा ही संगठन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने अपना उद्बोधन दिया था, तो आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता जो कि संगठन के बारे में और बाकी सारी बिंदुवार जो उन्होंने चर्चा की थी उस पर आपसे जानने को मिले और सभी कार्यकर्ताओं को और हमारा भी मार्गदर्शन हो सके। तो मैं अब आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया आप भी आज के विषय पर अपनी बातों से हमारा मार्गदर्शन करें और हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएं। एक तो इस नमो ऐप के इस वर्चुअल मीट में आपने मुझे किया है, इसके लिए आप सबको धन्यवाद है। विशेष रूप से ये कार्यक्रम चल रहा है, हम भी देखते हैं और भी सारे लोग भी इसमें शामिल होते ही हैं और एक अच्छी कोशिश है, अच्छा प्रयत्न है। और देश जो भी मोदी जी से प्यार करते हैं, मोदी जी से को अपना समझते हैं, वो सामान्यतः इस ऐप के साथ भी जुड़े हैं और इस सारे कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हैं। एक अच्छी उपलब्धि भी इसके साथ जुड़ी है। आप सबके इस प्रयत्न को निश्चित रूप से प्रणाम है। आपने अवसर दिया है और थोड़ी चर्चा जो की है कि विगत दिनों प्रधानमंत्री जी की सेवा के विषय को लेकर के बाकी लेकर के, क्योंकि पूरे देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सारे किए उन काम को ध्यान में लेकर एक प्रधानमंत्री जी ने बातें पूरा तो जोड़ा था से, सेवा का विषय है और चर्चा की वो तो 700 की चर्चा है। और अच्छा संयोग है के साथ 8वां का है और 9वां सौ भगवान शंकर का है, शिव का है और सकते भी है, शिव भी है, सावन भी है और बाकी सकार जो माननीय प्रधानमंत्री जी के हैं, ये पूरी एक सृष्टि रचना बनती है। तो एक अच्छा अवसर इसके साथ जुड़ा है, संयोग अच्छा है और काशी तो वैसे भी बाबा विश्वनाथ की नगरी मानी जाती है। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से जो विश्व के नाथ है, जो पूरी सृष्टि, यानी उसमें कहीं कोई कम्युनिटी विशेष नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, समूह विशेष नहीं है, पूरे विश्व के जो पालक हो सकते हैं ऐसे बाबा विश्वनाथ की ख्याति भी है और हम सब पर सबका आशीर्वाद भी है। मोदी जी पर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद और आप सब जितने भी लोग इसके साथ जुड़े हैं सब पर उनकी कृपा बनी रहे, यह अपेक्षा भी है। तो सावन में जब हम इन सकारों की बातें करते हैं तो स्वयं शिव का जीवन भी उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। यानी कहते हैं शिव सभी युगों में उपलब्ध है, सभी लोकों में उपलब्ध, जो हिंदू मैथोलॉजी है जो इसमें हमारी मान्यता है, तो हर जगह उपलब्ध है, हर जगह उपस्थित है, अजर अमर है। और शिव की शक्ति समाज के भरण पोषण, समाज के जीवन के निर्वहन में सहायक बनती है, जो जिस शक्ति की बातें करते हैं, शक्ति भी उनके साथ भी है और एक जो उसके साथ जुड़ी भावनाएं हैं। निश्चित रूप से यह अवसर जब माननीय प्रधानमंत्री जी के उन वक्तव्य को संदर्भ लेकर हम चर्चा कर रहे हों अगर, तो उसमें जो सेवा का जो पक्ष है, मूलभूत सेवा, तो जब एक शब्द बोलते हैं तो उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि बिना आत्मीयता के, बिना आपके मन में भाव उत्पन्न हुए आप सेवा नहीं कर सकते किसी के साथ। जब उनकी कठिनाइयों के साथ एकाकार होते हैं, जब उनके कष्ट को खुद अनुभव कर सहयोग के लिए आप खड़े होते हैं, बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ा समाज में ऐसा भी तत्व जहां यह भावनाएं नहीं है, यहाँ जहाँ भाव नहीं है, लेकिन भारत की संस्कृति में, भारत की व्यवस्था में और यहाँ के रहन सहन में सहज रूप से सेवा का यह पक्ष जुड़ा ही रहता है। और काशी में तो वैसे भी रहता है, सहज बोलते भी हैं यहाँ पर, तो काशी में कोई भूखा नहीं सोता क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का यहाँ पर आशीर्वाद है और अन्नपूर्णा जी शिव जी के साथ में है, तो काशी का अपना एक महात्म्य है ही है। लेकिन सेवा का ये जो सारा संदर्भ है उसमें पहला विषय अगर मैं यानी मैं इनकी बातें करूं ना, ये जो हमारे सातों सकार हैं जिसकी थोड़ी सी चर्चा हम लोग के सामने आनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको संदर्भ देता हूं, बाकी बातें आप जैसा करेंगे तो उस पर आगे हम तो बढ़ेंगे। जो पहला पक्ष है सेवा भाव,
मैंने जिसकी चर्चा की कि ये मन में भाव पैदा होते हैं तो तब किसी के सहयोग के लिए खड़े होते हैं, उसकी कठिनाइयां जब हमारी अपनी कठिनाइयां लगने लगती हैं तब हम उसको सहयोग करने के लिए जाते हैं, उस जब हमको अनुभव, यानी ये जब अनुभव का पक्ष तभी है जब मानवीय संवेदनाओं के साथ हमारा एकाकार होता है। मनुष्य मात्र को जीव मात्र के जीवन में सुख की कल्पना जब लेते हैं तब ये भाव पैदा होता है। यही हमारी हिंदू मैथोलॉजी, यही हमारा विचार, हिंदू दर्शन है, भारत का जो मूलभूत दर्शन है जो दुनिया से भारत को अलग करता है, दुनिया में सबको जीने का रास्ता बताने का जो मार्ग देता है, उसका कारण यही है कि हम मानव मात्र के सुख की कल्याण की कल्पना करते हैं, उसके जीवन के दुख हमें अपने दुख लगते हैं, इसलिए किसी को परेशान नहीं करना, किसी को वो कष्ट नहीं देना, इसलिए उसकी कठिनाइयां हमें लगती, तो यह भाव पैदा करना, तो पहली आवश्यकता रहती है मनुष्य जीवन में भाव का प्रादुर्भाव हो, वह उत्पन्न हो व्यक्ति के साथ सहज उसको जोड़ने की। जब यह बातें आती हैं तो ये दुनिया खत्म हो जाती है, न समूह बचता है, न आयु बचती है, न समाज का वर्ग बचता है, कोई कुछ, सारी ये दुनिया अपने आप समाप्त हो जाती है, एक भाव अपने आप पैदा होता है वो मनुष्य का, मानव भाव का। तो ये मानवीय पक्ष लेकर यह भाव पैदा होना एक आवश्यक है किसी के लिए। एक बात कार्यकर्ता के संदर्भ में मोदी जी ने बात जरूर की, लेकिन ये पूरे देश का संबोधन था, पूरे देश के नागरिकों के जीवन में यह पैदा होगा तब भारत को कहेंगे, जब भारत का हर नागरिक इस भाव से सोचेगा, इस तरीके से सोचेगा। इसके साथ साथ इन सब चीजों के साथ पक्षपाती होता है कई बार, भाव तो पैदा होता है लेकिन कई बार रहता है कि हमारे घर में हमारा बेटा है, हमारी पत्नी, हमारे परिवार, हमारे भाई, उनके कष्ट तो कष्ट समझ में आते हैं, वो भी भावना से ही होता है, बिना भाव के तो होता नहीं, तो वह भाव तो है, लेकिन हमारे पड़ोस में भी कोई रहता है, हमारे मोहल्ले में भी कोई रहता है, हमारे गांव में भी कोई रहता है, उसको भी भूख लगी पास नहीं उपलब्ध होगा, इसके लिए संतुलन आवश्यक है। हम यह जो संभाव है यह भी उसका खड़ा करना जरूरी है, यह भी एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष उसके साथ जुड़ता है, यानी भाव पैदा होने भर से पूरी नहीं होती बात, तो हमारा स्वभाव पक्षपाती ना हो जाए, हमारे अपने के लिए तो ये सारा दर्द है लेकिन बाकी के लिए भी ये खड़ा होना चाहिए, इसलिए उसके साथ संतुलन भी बनाकर रखना कि सब में समान दृष्टि भी उसके साथ खड़ी हो। ये सब के साथ साथ कई बार क्या रहता है कि हमको हम उसका आकलन भी करने लगते हैं, सामने वाले व्यक्ति का आकलन भी करने लगते हैं, तो यह उसके साथ हमारे मन का जो धैर्य है, जो संयम है, वह भी उसके साथ बना रहना चाहिए, जो तीसरा शब्द प्रधानमंत्री जी ने संयम का प्रयोग किया, तो संयम का पक्ष इतना ही है कि यह सबके साथ, यानी उसकी कठिनाइयां हुई, जब हम देखिए जब पक्षपाती नहीं होंगे, वर्ग विशेष को या समूह विशेष को अलग नहीं करेंगे तो यह चीज आती है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि नहीं नहीं इसको ठीक तो है लेकिन हम आकलन करने लगते हैं उसका, उसकी परिस्थितियां, उसके बैकग्राउंड देखने लगते हैं और भी सारी चीजें देखने लगते हैं, तो अपने मन का संयम भी बना के रखना ताकि कोई क्रोध भावना आए, कोई अपने अंदर किसी प्रकार की अन्य दुर्भावना न पैदा हो, यह भी उसके साथ साथ रहता है। और जो काम कर रहे हैं साथ में बहुत सारे लोग, यानी हम तो कर ही रहे हैं, समाज भी उसके साथ खड़ा हो, एक दूसरे के साथ जुड़ करके खड़ा हो, यद्यपि कार्यकर्ताओं के संदर्भ में यह बातें प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं लेकिन हम इसको देश के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, व्यक्ति जो रहने वाला यहाँ का मूलभूत समाज है उस समाज के परिप्रेक्ष्य में देख करके बोलते हैं, तो ये आपस के समन्वय की भी स्थिति बनती है, यानी हम तो सोचते हैं सामने वाले भी इसका विचार करे, हर व्यक्ति विचार करे, कोई एक ही सोचेगा तो सब बदल जाएगा ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए सबको मिलकर ही इस पर सोचना होता है, इसलिए सबका आपस में समन्वय भी बने, सब लोग एक साथ एक तरीके से सोचे, इसके लिए कम्युनिकेशन, इसके लिए उसके बीच में संवाद की भी आवश्यकता पड़ती है, समन्वय तभी बनेगा जब हम एक दूसरे के बीच की बातचीत भी करेंगे, एक दूसरे के साथ संवाद करेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, तो यह समन्वय एक साथ एक प्रकार से सोचने के लिए आपस की बातचीत और संवाद का होना भी आवश्यक है। और ये सब के साथ भी दो पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है, वह है अपने वो व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, यह तो समूह से जुड़ा हुआ पक्ष है, भाई हम सबका साथ करता व्यक्ति है लेकिन सामने वाले को भी, दोस्ती तभी होती है जब सामने वाला भी हाथ बढ़ाता है, एक के हाथ एक पॉकेट में हाथ डाले और दूसरा हाथ बढ़ा रहा है तो दोस्ती नहीं होती है, तो दोस्ती तो दोनों मिलकर के करनी होती है, संतुलन भी दोनों पक्ष पर, जो दो पक्ष होते हैं उन्हीं से संतुलन की बात हो रही है, तो उनसे संतुलन की जब बातें करते हैं तो यह भी वो एक दूसरा पक्ष भी होता है उसके साथ साथ, ऐसी परिस्थिति में
दो पक्ष हमारे व्यक्तिगत से जुड़ते हैं, वह है जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी की, वो सकारात्मकता और सद्भावना, ये दोनों व्यक्ति से जुड़ी हुई है। हमारा मन का विचार क्यों रहे, हम सोचें कमियां ना सोचें, कमजोरियां ना सोचें, कठिनाइयों को हम सारे पक्ष यानी जीवन में उन्नति प्रगति उत्साह यही बना रहे, यह आवश्यक है। इसलिए सकारात्मक होना और सद्भाव का होना, ये दो अगर होंगे तभी हम संयम भी रख पाएंगे, तभी हम संतुलन भी बना पाएंगे, तभी यह सेवा भाव के प्रकटीकरण को हम प्रस्तुत कर पाए, सेवा भाव का जो मन में प्रकट होगा उसको स्पष्ट हम दिखा पाएंगे, कर पाएंगे। दो व्यक्ति की आवश्यकता है, लेकिन यह सकारात्मकता का होना और सद्भाव का होना या व्यक्ति के अपने साथ जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों पक्ष भी उसके साथ जुड़ते हैं। तो मन में एक सकारात्मक भाव भी रहे और भावना भी सद्भाव की रहे। सद्भाव मतलब ये बनता है कि किसी को थोड़ा ज्यादा, किसी को थोड़ा कम, या उसको करना उसको नहीं करना, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी पर्टिकुलर एक एक शब्द के आधार पर जरूर हम इन बातों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर पूरा मनुष्य देखे पैर से लेकर सिर तक, तो मनुष्य के बाहरी शरीर के साथ उसके अंदर जो उसका मन है, उसका मस्तिष्क है, जहां विचार प्रेरित होते हैं और उसके मन के अंदर जो भाव पैदा होते हैं, यह उसको दिशा देने का एक मंत्र है कि हमारा वह मनुष्य जो भारत का दर्शन है कि जीव मात्र के जीवन में, यानी जब हम बोलते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, जब यह शब्द प्रयोग करते हैं, या विश्व एक निर्णम, पूरे विश्व को हम परिवार मानते हैं, पूरे विश्व को घर मानते हैं, जब हम यह वैदिक उद्घोष करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बातें करते हैं, केवल उद्घोष नहीं है, यह हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ विषय, जिसमें यह पक्ष सारे आवश्यक है। हमारे अंदर दुर्भावना न हो, हमारे बीच के आपस में मन का विचार का, चिंतन का, व्यवहार का सारा संतुलन चाहिए। संतुलन तो बाहर वाला ठीक है, लेकिन मनुष्य के अंदर कि कई बार मस्तिष्क तो कहता है, लेकिन मन तो कहता है, लेकिन मस्तिष्क काम नहीं करने देता। पैर तो चलना चाहता है, चल के जाता है, लेकिन हाथ करने नहीं देता। यह शरीर का संतुलन भी बहुत आवश्यक है, ये सब के लिए संयम भी आवश्यकता है। यह सब के साथ साथ मन में सद्भाव रहेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। उसके साथ एक सकारात्मक सोच, यानी हम कर रहे हैं, अरे सबका पूरा हो जाएगा, इसके पास तो ये कुछ नहीं, एक उसके साथ पॉजिटिविटी भी खड़ा करना, तभी हम जो करते हैं उसका परिणाम भी आता है। तो जब यह बातें बोलते हैं तो एक मनुष्य के मस्तिष्क लेकर और अंतर बाह्य जो मनुष्य की शरीर की है, वो मानव मात्र के साथ, उस सब पक्ष उसके साथ जुड़ते हैं। मोदी जी जब इसको कहते हैं तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो ज्यादा यह बात समझ में आती है कि सेवा, केवल सेवा शब्द तो जरूर है, लेकिन उसके साथ छिपे हुए इतने सारी चीजें हैं। जब यह चीजें प्रकट होती हैं तब वह सेवा समर्पण में प्रस्तुत होता है, जो अंतिम उसका परिणाम है वह उसका समर्पण है, और समर्पण ही उसकी उन्नति प्रगति और परिणाम की तरफ ले जाता है। यह मुझे जो बातें ध्यान में आती हैं वह थोड़ा सा हमने इसकी चर्चा की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।